रुको रुको रुको, यहाँ आम शहरियों को आने की इजाजत नहीं है। मुआवजे चाहता हूँ, मैं ये नहीं जानता था। अगर कोई शहरी देखा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा तुरंत। सुना है आज किले में साहब लोगों का कोई बहुत बड़ा जश्न हो रहा है। अब ऐसे कैसे हो सकता है कि आप जैसे होनहार सिपाहियों को उस जश्न में न्योता नहीं दिया गया? आप जैसे शहरियों को रोकने के लिए हमें यहाँ रुकना पड़ा है। ख्याल तो बहुत अच्छा है तुम्हारा, मगर मुझे लगता है कि ये उस बड़े जहाज के सामने इस छोटे जहाज को खड़ा करना अच्छी बात नहीं है। वो डाउंटलेस जहाज तो समंदर की शान है, लेकिन इंटरसेप्टर जहाज का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ ना, ऐसा एक जहाज है जो इससे कहीं ज्यादा अच्छा है। नाम है ब्लैक पर्ल। कोई असली जहाज नहीं टिक सकता इंटरसेप्टर के सामने। ब्लैक पर्ल एक असली जहाज है। नहीं, वो नहीं है। वो है, मैंने वो देखा है। तुमने वो देखा है? हाँ। तुमने वो जहाज नहीं देखा? मैंने वो जहाज देखा है। तुमने एक जहाज देखा है जिस पर काले पर्दे लहराते हैं, जिस पर क्रूर आदमी है और जिसका कैप्टन इतना खतरनाक है कि जहन्नुम ने भी उसे बाहर फेंक दिया? नहीं। Hey! सुनो, हटो वहां से, तुम्हें यहाँ आने की इजाजत नहीं है। मुझे माफ कीजिएगा, कितनी खूबसूरत गश्ती है, मेरा मतलब जहाज है। तुम्हारा नाम क्या है? स्मिथ, या स्मिथी, जो पसंद हो। क्यों आए हो यहाँ पोर्ट रॉयल में मिस्टर स्मिथ? और हाँ, झूठ मत बोलना। तो ठीक है, सच कहता हूँ। मेरा इरादा है कि ऐसे एक बड़े जहाज को चुराकर अपने कुछ साथियों के साथ टोटुगा में डकैती करके सारा माल लूट लूं और अपनी धौंस जमाऊं। मैंने कहा झूठ नहीं। ऐसा लगता है ये सच बोल रहा है। अगर ये सच कह रहा होता तो हमें नहीं बताता, समझे ना? क्योंकि मुझे मालूम है तुम्हें सच सुनने की आदत नहीं है, इसलिए झूठ समझोगे। जैक, मैं हूँ, विल टर्नर। वसीको इन डाटा एसीपी। एसीपी इन्हें कहो मुझे नीचे उतारे। खोले लाम लाम पीकी पीकी लाम इंसी विंसी। लाम सेंसे यूनिकी नमस्ते। जैक, कंपस, मुझे वही। सलाम शिव शिव शाह स्वामी लाम ऋषिकु सावे। पहले के लेके बाले के लेके चेक। तुमने क्या कहा इन लोगों से? नहीं होगा यहाँ भी। क्या देख रहे? बबूगी जाने वाला। अब तो चलना ही है। रस्सियां खोल दो।
अफसोस मेरे बच्चों, आज का दिन तुम्हें हमेशा याद रहेगा जब तुम भुना मांस नहीं खा पाए। कैप्टन जैक स्पैरो का है कि तुम ब्लैक पर्ल जहाज पर काम करने के लायक हो। मैंने कभी जहाज पर सफर नहीं किया। जब तक मैं जवान हूँ मुझे बाहर निकलकर पूरी दुनिया देख लेनी चाहिए। हाँ चलेगा, अंगूठा लगाओ। अगला। मेरे घर वाले मेरे कुत्ते को लेकर भाग गए और मैं एक महीने से नशे में धुत और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे मैं मरूं या जीऊं। बहुत अच्छे। अगला। ऊपर की जाओ जी कप्तान, रस्सी उतर के चोए दिल्ली छाट। ओए छेती छेती चलो, ओए जल्दी करो जी कप्तान। ले 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 जल्दी करो। अच्छा मुझे जल्दी हाथ पैर चलाओ, नाली के कीड़ों हवा के रुख से पार लगाओ बच्चों। रस्सी ढीली छोड़ो और मोड़ो। भाई स्पैरो। जी हुजूर। क्या ख्याल है, रस्सी की हालत कैसी लग रही है? जी हमरे को तो ठीक ही लग रहा है हुजूर। बकवास, ना तो ये ठीक है ना ही सही, समझे? ना तो ये काम की है ना ही लंबी, बल्कि मैं तो कहूंगा घटिया। माफी चाहते हैं माई बाप, बस आप हमरे को एक ठो मौका दे दीजिए। मौका? मुझे तो जिंदगी में आज तक एक मौका नहीं मिला। हमने अपनी रफ्तार भी खोई है और उसके साथ वक्त भी, कीमती वक्त, जो हाथ से निकल जाए तो फिर वापस नहीं आता। कुछ आया समझ में? आया कप्तान। आया कप्तान। आ भी गया। ये सब काम फिर से करना पड़ेगा, पूरे का पूरा। जिंदगी भर याद रहेगा ये सबक तुम सबको। बड़ी हवा नहीं है ना साईं, जहाज चलाना मुश्किल हो रहा है? नहीं, मुझे तुम नासूर के कीड़ों से कोई हमदर्दी नहीं है और ना ही झूठ मूठ नाटक करने की आदत है। आयो, तुम सब हम शक्लों को मेरी आल में। मैंने ये कप्तान, इसे पर्ल चाहिए। कप्तान टर्नर को ब्लैक पर्ल जहाज चाहिए और तुम खुद को दोषी ठहराती रही, और तुम और तुम्हारे लुटेरों की बिरादरी भी। क्या कोई मुझे इसलिए बचाने नहीं आया क्योंकि कुछ लोगों को मेरी कमी खल रही थी? उन्हें मेरी कमी खल रही थी। माफ करना जैक, लेकिन उससे पहले एक पुराना दोस्त तुमसे मिलना चाहता है। तुम क्या कर रहे हो? मैंने पूछा तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? जहाज पर हुक्म कप्तान दे रहा है। हाँ, जहाज का कप्तान ही हुक्म दे रहा है। जहाज मेरी है, मैं कप्तान। नक्शे तो मेरे पास है। अच्छा, तो तुम नक्शेबाज हो? मैंने कहा बस करो, बस करो तुम दोनों, ये मेरा हुक्म है, समझ गए? वो क्या है कि देख रहा था कि आप दोनों में मारपीट हो रही थी कप्तान बनने के लिए, तो क्यों ना मैं उसके। माफी चाहता हूँ।